हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीबी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था आपको जंतुओं का वर्गीकरण, यानी जंतुओं को चार आधार पर बांटा गया था, जैसे संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, जनन की विधि के आधार पर, वास स्थान के आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। आज हम पढ़ाएंगे पौधों का वर्गीकरण, यानी जैसे जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, उसी तरह से पेड़ पौधों का भी वर्गीकरण किया गया है। पहले आप जान लें कि पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान का वैज्ञानिक, और जंतुओं के विषय में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को हम जंतु विज्ञान का वैज्ञानिक कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, जिसे हम पिता कहते हैं वनस्पति जगत का, उनका नाम है थियोफ्रास्टस को वनस्पति जगत का पिता कहा जाता है। उसी तरह से जंतु जगत का जो पिता है वह अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और थियोफ्रास्टस ये वनस्पति जगत के पिता या जनक कहे जाते हैं। अब पौधों का जो वर्गीकरण है वह तीन आधार पर बच्चों किया गया है। पहला पुष्प के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, और तीसरा आयु के आधार पर। हम पहले चलते हैं कि पुष्प के आधार पर पौधों को या पेड़ पौधों को दो समूहों में बांटा गया है, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे यानी जिन पौधों में पुष्प और फल लगते हैं उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। ये पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, इनमें जड़, तना, पत्तियां अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, और ये पौधे सभी जगहों पर पाए जाते हैं। फिर से सुने विशेषता इसकी कि पुष्पी पौधे किसे कहा जाएगा, यानी जिन पौधों में पुष्प और फल लगते हैं उन पौधों को पुष्पी पौधे कहते हैं। ये पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, इन पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं, और ये पौधे सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं किस पौधों में पुष्प लगता है, गुड़हल में लगता है ना, गुड़हल है, गुलाब है, कनेर है, सूरजमुखी है, सरसों है, कमल है, कुमुदनी है, आम है, अमरूद है। इन सभी पौधों में पुष्प और फल लगते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, पुष्पी पौधे कहते हैं। अब दूसरा है अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं। इन पौधों में प्रायः जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। इसमें कभी पुष्प नहीं लगते, कभी फल नहीं बनते हैं, तो इसमें बीज भी नहीं बनता, इसलिए इनकी जो वंश वृद्धि होती है वह बीज के द्वारा नहीं होती है, बल्कि
इन पौधों में पुष्पों के स्थान पर विशेष तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं बीजाणु धानिया। क्या कहेंगे? बीजाणु धानिया। इन बीजाणु धानियों में बीजाणु बनते हैं और इन्हीं बीजाणुओं से फिर नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो इन पौधों को अपुष्पी पौधे कहते हैं। तो अपुष्पी पौधे में पुष्प और फल नहीं लगते हैं, बल्कि वंश वृद्धि के लिए इनके पास विशेष संरचनाएं होती हैं, जिसे बीजाणु धानिया कहते हैं। और इन बीजाणु धानियों में क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं और इन बीजाणुओं से नए पौधों की उत्पत्ति होती है, जैसे शैवाल, कवक, मांस, फर्न, ये सभी पौधे जो होते हैं, या जीवाणु, ईस्ट, ये सभी पौधे क्या हैं? अपुष्पी पौधे हैं। आपने कवक जैसे छत्रक या कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, सड़ी गई लकड़ी पर या गोबर पर छाते के आकार का सफेद रंग का उगा रहता है, बरसात में अक्सर दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता, वह कवक है। या ब्रेड पर, रोटी पर आप देखते हैं फफूंद लग जाती है, फफूंद क्या है? कवक है। तो इस तरह से, या आप बरसात में आप देखते हैं काई लग जाती है, काई क्या है? शैवाल, जिसके कारण आप फिसलती हैं, क्यों? उसकी जो सतह है बहुत फिसलनदार होती है, आप पैर रखती हैं और उस पर आप फिसल जाती हैं। तो वह भी एक पौधा है और वह कैसा है? अपुष्पी पौधा है। तो अपुष्पी पौधों में जीवाणु है, ईस्ट है, शैवाल है, कवक है, मांस है, फर्न है। तो इस तरह से ये पुष्प के आधार पर दो समूह हो गया, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। अब है बच्चों, आकार के आधार पर पौधे तीन प्रकार के होते हैं, यानी बड़े छोटे पौधे होते हैं, तो तीन श्रेणियों में इनको बांटा गया है। पहली श्रेणी कहलाती है साक। ये पौधे 1 मीटर से कम ऊंचाई के होते हैं, इनका तना बहुत ही सुकुमल होता है, पतला होता है, कमजोर होता है, जैसे मक्का है, सरसों है, पालक है, तो ये सभी जो है, धनिया है, तो मटर है, ये सभी बथुआ है, ये सब साक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साक। दूसरा है झाड़ी। ये पौधे 1 से 3 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं और इनके तने जो होते हैं बड़े ही कठोर और मजबूत होते हैं, इनमें एक तना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जैसे ही जमीन के ऊपर तना थोड़ा आता है उसी में से तमाम शाखाएं निकली हुई होती हैं, तो लगता है कोई मुख्य तना नहीं है, कई तने इसमें से निकले हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं झाड़ी। जैसे नींबू है, करौंदा है, गुलाब है, गुड़हल है, तो ये सभी कैसे क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झाड़ी। जिनकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक की होती है और जिनके में मुख्य तना एक नहीं होता है, बल्कि तना कई भागों में बंटा हुआ होता है, सघन होता है, लेकिन इनके तना और जड़ क्या होती है? मजबूत होती है। तो ये झाड़ी कहलाते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल, नींबू, ये झाड़ी के अंतर्गत आती है। और तीसरा है वृक्ष। बच्चों, वृक्ष जो है ये 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी वृक्ष कहलाते हैं, जैसे आम है,
अमरूद है और यूकेलिप्टस है, इमली है, सागौन है, साखू है, ये सारे पौधे क्या, आम पीपल है, बरगद है, इनको हम क्या कहेंगे, वृक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, वृक्ष कहेंगे। इनका तना बहुत मोटा होता है, जड़ें बहुत अधिक गहराई तक गई होती हैं और तना काष्ठीय, काष्ठी का मतलब कड़ा, लकड़ी की तरह पूरा कड़ा होता है, मोटा होता है, शाखित होता है, ये बेलनाकार होते हैं, बहुभुजाकार होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। नीम है, आम है, बरगद है, पीपल है, चीड़ है, देवदार है, साखू, यूकेलिप्टस, नारियल, ये सभी बच्चों क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो आकार के आधार पर पौधों की तीन श्रेणियां हैं, साक, झाड़ी, वृक्ष। अब बच्चों आता है तीसरा आधार है आयु के आधार पर, यानी कौन पौधा कितने वर्ष तक या कितने समय तक जीवित होता है। आप जानते हैं प्रत्येक जीव जंतु की जो आयु है वह निश्चित होती है और जब कोई भी जीव जंतु अपनी आयु पूरा कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका जीवन काल 1-2 महीने का होता है, कुछ ऐसे हैं जिनका 5-6 महीने का या साल भर का होता है, कुछ का 2 साल तक होता है और कुछ का बहुत सालों तक वो जीवित रहते हैं। तो इस तरह से आयु के आधार पर पौधों को कि ये तीन श्रेणियां हैं, 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे यानी ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप देखे हैं धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, उसको बोया जाता है, वो अंकुरित होता है, थोड़ा बड़ा होता है 2-3 महीने में 3 महीने में, फिर उसमें जो है बीज लग जाते हैं और फिर वो पक जाता है और फिर वह सूख करके क्या होता है, गिर जाता है, तो काट लेते हैं। तो जो पेड़ पौधे 1 साल के भीतर ही कुछ महीनों में फलते फूलते और फिर सूख जाते हैं तो उनको हम 1 वर्षीय कहते हैं। जैसे चना, मटर, सरसों, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी 1 वर्षीय पौधे हैं। 2 वर्षीय पौधे ऐसे पौधे जो 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में उनमें जड़, तना और पत्तियां विकसित होती हैं और फिर दूसरे वर्ष में उसमें पुष्प, फल और बीज का निर्माण होता है। तो ऐसे पौधों को 2 वर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे केला, केला क्या है, 2 वर्षीय है। बहुवर्षीय पौधे ऐसे पौधे जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। आप देखेंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, बहुत अधिक दिनों तक भी बहुत सारे पौधे जीवित रहते हैं। तो इनके संपूर्ण जीवन काल में माने सीजन के समय में इसमें फल और फूल लगता रहता है। तो जैसे ये वृक्षों की तरह ही पौधे होते हैं, दूब घास है, गुलाब है, आम है, कटहल है, ये सागौन है, बरगद है, पीपल है, ये सभी पौधे बहुत सालों तक जीवित पड़े रहते हैं, इनको हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों पौधे जो हैं आयु के आधार पर 3 श्रेणी के हैं, 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे। आकार के आधार पर भी 3 श्रेणी में कौन कौन से,
साग, झाड़ी, वृक्ष और पुष्प के आधार पर दो तरह के पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। तो इस तरह से बच्चों पौधों का वर्गीकरण यहीं पर समाप्त होता है और आज का क्लास यहीं तक। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।